हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकार की कमियों को बताने वालों को लोकतंत्र विरोधी बताकर जेलों में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज से शिमला सहित पूरे प्रदेश में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर अभियान की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी जिला शिमला के अध्यक्ष राकेश चमन आजटा ने कहा कि देश में मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। सभी विपक्षी पार्टियों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। अडानी के खिलाफ जांच के लिए आवाज उठाने पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान चला रही है, जिसमें गली मोहल्लों में जाकर पोस्टर लगाकर लोगों से लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहे हैं। आज शिमला के लोअर बाजार व मिडिल बाजार के आसपास आम आदमी पार्टी दीवारों पर पोस्टर लगा रही है। हम लोग आजादी के बाद से लोकतंत्र जीवित इसलिए रहा है कि यहाँ के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, किसी विशेष वर्ग ने नहीं, ना किसी धर्म ने, ना किसी जाति ने, बल्कि आम इंसान ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने संघर्ष जो कि जितने किए हैं, कई लोगों ने अपनी आहुतियां भी दी है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोग एहसानमंद उन लोगों के हैं जिन लोगों ने आजादी दिलाई, जिन शहीदों ने कुर्बानियां दी, स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाई। किस लिए? ताकि मुझे और आपको अधिकार मिले इस देश में अपनी बात रखने का, लोगों की बात सुनी जाए, और उसी के तहत बार बार जब भी संकट आया है लोकतंत्र पे तो इस देश के लोगों ने उठ करके इस लोकतंत्र को बचाया है। लेकिन आज जैसा कि 2014 के बाद से एक संदेह था कि मोदी सरकार जो है ना तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और इसका गला घोंटने का काम कर रही है, तो धीरे धीरे कैसे स्वतंत्र जितनी एजेंसियां थी उन पे एक तरह से नियंत्रण अपना ले लिया, कहीं पे सुनवाई जिस तरह से होनी चाहिए जब भ्रष्टाचार के मामलों में वो नहीं हुई है, और जो भी वादे करके और झूठ बोल करके मोदी सरकार आई थी, चाहे वो बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ के हर प्रतिवर्ष जो रोजगार देना था, नौकरियां देनी थी उसका, चाहे किसानों के लिए उसकी आमदनी दुगना करने की 2022 तक की बात कही गई थी, तो ये सारे के सारे खोखले और बिल्कुल एक तरह के झूठे वादे थे। देखिए, इतनी जल्दी में या लिया गया फैसला, अगर मान लीजिए अदालत ने 2 वर्ष केवल इसलिए उनकी सजा उनको इसलिए इस बात पे दी गई कि उन्होंने किसी को चोर कहा, और चोर कहना स्वतंत्र, आप देख लीजिए स्वतंत्र भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं आपके सामने, आप मीडिया के बंधु हैं, आपको पूरी हुए हैं कि कितने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ क्या क्या शब्द नहीं कहा गया, हम लोग नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन तो क्या उन्होंने उसके खिलाफ सजा दी? आप उसको वार्निंग्स के तहत भी उनको बोला जा सकता था, वार्निंग दी जा सकती थी, लेकिन संविधान में ऐसा तो कहीं है नहीं। तो ये भी एक अभिव्यक्ति की आजादी जो होती है, या मान लीजिए अपने विचार रखने की आजादी थी, अगर पूरे समाज को उन्होंने ये नहीं कहा था, पूरे समाज के लिए उनकी भावना भी नहीं थी, लेकिन इससे भी एक कदम आप आगे सोचिए कि ना केवल इतनी जल्दी में हड़बड़ाहट में उनकी सदस्यता को खत्म किया गया, बल्कि उनको कहा गया कि बाप अपना बंगला भी खाली कर, ना कोई उनको अपील दलील तो तक वेट की जाती। और पिछले कल ही आपको पता है कि किस तरह से लोकसभा को 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनकी सदस्यता को वापस लेना पड़ा, और जो भी 12 जनवरी को जिनकी सजा होती है उसी दिन वो हाईकोर्ट जाते हैं, 13 तारीख को सुनवाई होती है, 13 को ही उनको सदस्यता उनकी भी वहां से खत्म की जाती है, और 18 तारीख को प्रेस माध्यम से कहा जाता है कि अब जो है लक्षद्वीप का बाई इलेक्शन होगा। तो इतनी जल्दी क्या है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप संसद, जितने सांसद हैं उनकी आवाज आप बोलने नहीं दे रहे, संसद में आप चलने, संसद को चलने नहीं दे रहे, तो फिर आप सांसदों को निकालने में इतनी हड़बड़ाहट क्या है? न्यूज़ डेस्क एनालिस्ट।